हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। कोरोना महामारी के दौरान जब कोई शख्स कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जाता है तो रिपोर्ट आने से पहले उसके दिमाग में दो ही शब्द गूंजते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव कर दी जाए और कीमत सिर्फ 3000 रुपए लगाई जाए तो आप क्या कहेंगे? चौंक गए ना? इस रिपोर्ट को देखिए। सावधान, कोरोना रिपोर्ट का काला कारोबार आपकी जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। चल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने का धंधा। सिर्फ 3002 रिपोर्ट नेगेटिव लो। आज हरियाणा न्यूज इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने जा रहा है। कैसे कोरोना रिपोर्ट को लेकर घालमेल किया जा रहा है इसको जानते ही आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आप डर जाएंगे, अपने परिवार से दूरी बनाने लगेंगे। लेकिन उसी रिपोर्ट को कोई निगेटिव बना दे तो आपको कैसा लगेगा? दोनों ही मामलों में ये खतरनाक है। अगर आप निगेटिव हैं और आपको पॉजिटिव कर दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, और पॉजिटिव हैं निगेटिव कर दिया जाए तो आप अपनों के लिए ही खतरा बन जाएंगे। लेकिन फरीदाबाद में पॉजिटिव से निगेटिव बनाने का काला कारोबार जोरों पर है। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया, भैया आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिर अब तो रिपोर्ट लेने का फायदा क्या है? अगर आपको अर्जेंट जाना तो बताओ फिर। अरे उससे वैसे ही करवा दो, नेगेटिव पॉजिटिव ये इसका कोई चक्कर ही नहीं है। मैं तो कहीं गया भी नहीं पिछले 20 दिन से, तो मैं घर पे हूँ। या तो फिर पॉजिटिव ही रहूंगा फिर तो मैं अगले 20-25 दिन और। तो 15 दिन, फिर 17 दिन आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। क्यों? जो मिनट का टेस्ट सैंपल ले रहा है ना वो। हाँ। तो सैंपल ले रहा है वो, उसके हाथ में है रिपोर्ट देना। अभी तो वो लिखी नहीं है अभी रिपोर्ट ना, रजिस्टर में एंट्री नहीं करवाई अभी। तो आप नेगेटिव की दे सकता है? नहीं दे सकता। दे सकता है, उसके फिर वो खर्चा मांग रहा फिर उसका। हाँ तो खर्चा दे देंगे। कितना खर्चा चाहिए उसे? 3000 रुपए मांग रहा जी। 3000 रुपए? मेरे पास एक और बंदा था, वो कह रहा था भाई साहब 700 रुपए मुझे दे देना और आप बस आ जाओ और चले जाओ, मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ उनके हाथ में रहता है ना, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। देखो उसी का हाथ में एक बंदा, मैंने बात कर की थी बीके में, वो तो मैं उससे करवा दूंगा। वो तो कह रहा था कि भाई साहब आप बस आगे चले जाओ और मेरे से रिपोर्ट ले जाना, कुछ नहीं करना आपको। हाँ कुछ नहीं करना। हाँ वो कह रहा था कि और वो देख लो कोई नहीं। और बाकी आप हॉस्पिटल में ही हो अभी? मैं तो वहीं पे हूँ। अगर वो तो 700 तो वही मांग रहा था, अगर ये 500 रुपए माने तो मैं इसको अभी दे दूंगा 500 रुपए और मेरी करवा दो, ना तो फिर उसी से करवाऊंगा और जाकर। अच्छा चलो मैं कहता हूँ, क्योंकि जिस टाइम हम वहाँ करवा रहे हैं ना, वहाँ तो हम कम से कम 20-25 बंदों का करवा चुके हैं, तो वो तो 500 रुपए में मान जाएगा। अब इसका मुझे पता नहीं है कि ये कौन है, क्या है, आपका क्या सिस्टम है, तो इससे बात नहीं। नहीं नहीं उससे साथ कही, वो एलटी है ना, तो आप बात कर लो, 500 रुपए दे दूंगा मैं इसे। और अगर अच्छा। अभी बात करके मुझे बता देना, मैं दे आऊंगा। ठीक 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 है ना, बात करके एक बार मुझे बता दो आप। ठीक। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि हरियाणा न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए टेस्ट के प्रति पूरी सावधानी और ईमानदारी बेहद जरूरी है। लेकिन अब कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव से निगेटिव करने के नाम पर 3000 मांगने का खेल हरियाणा न्यूज आपके आगे उजागर करने जा रहा है। यह हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि इस बीमारी से अगर वास्तव में कोई पीड़ित है तो उसके संपर्क में आने से दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए मामला गंभीर है। दरअसल फरीदाबाद के खेड़ी कला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक स्वास्थ्य कर्मी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट को निगेटिव करने के लिए 3000 रुपए की डिमांड की जा रही है। हेलो। हाँ जी भैया, बताया नहीं तो मिल लो भैया तुम्हारा तो। अच्छा अच्छा, पता नहीं। हाँ मना कर रहे हैं भैया वो तो।
कोई नहीं, फिर कल वहाँ जाऊंगा मैं ना, दोबारा करवा के आऊंगा एक बार बीके में। मैं एक बात बता रहा हूँ पहले आपको, कभी बाद में दिक्कत हो आपको ना। हाँ यहाँ से ऑनलाइन चढ़ती है सीधी बीके जाती है रिपोर्ट, तो वहाँ भी एक बार करवा लूंगा ना मैं। हाँ करवा भले लो, दिक्कत नहीं है, पर ना कल को अगर आप नेगेटिव किसी ने लिख के दे दी ना, वो फ्रॉड में फंसा जाएगा, ये चीज पहले बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं फिर नहीं जाऊंगा ना, अगर इसने बना के दे दी फिर काय को जाऊंगा मैं कहीं। हाँ यही चीज बता रहा हूँ, ऐसा है कि अगर ये दे रहा है तो इससे पूछ लो, अगर ये कहते हैं जी नहीं वही रहेगी तो फिर मैं एक बार वहाँ भी चेक करवा लूंगा ना। वो आप कहीं भी चेक करवाओ, रिपोर्ट आपकी ऑनलाइन चढ़ेगी सीधी, जो पॉजिटिव आई है ना आपके। हाँ हाँ जो आपने एड्रेस दिया आपके घर पे पोस्टर वगैरह सब लगेगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगा देंगे, पर टेस्ट तो करवा ही सकते हैं दोबारा जाके। टेस्ट आप ऐसे नहीं करवा सकते हैं बार बार, मैं बीके में रिपोर्ट जाते बीके वाले। नहीं अभी मेरी बीके वाले से बात हुई है ना, वो कह रहा है कि अभी आ जा तू, अभी सैंपल दे जा मेरे पास। वो अच्छा कोई नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कल को वो बेचारा भी बाद में फंसे तो उसके लिए दिक्कत आए। नहीं वो तो क्यों फंसेगा, वो कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं जेन्युइनली चेक करूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ एक बार, वो यही कह रहा है। जेन्युइनली चेक करती करी जाती है वैसे तो रिपोर्ट वो तो। हाँ तो वो ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कुछ है भी तो आप एक बार आ जाओ, मैं यहाँ पर आपके सैंपल करवा के अभी चेक करवा देता हूँ आपका। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप अभी चेक करवा लो वहाँ पे जाके। हाँ मैं वहीं जा रहा था अभी। ठीक है ठीक है, अगर इससे अगर बात बनती है तो इससे पूछ लो। नहीं बन पाएगी, मना कर रहा हूँ। इस ऑडियो को लेकर हमारे संवाददाता ने जब सीएमओ से बात की तो उन्होंने रिपोर्ट बदलने की बात से इनकार कर दिया। हरियाणा न्यूज के इस खबर को उठाने के बाद सीएमओ साहब ने जांच तो बैठा दी है, लेकिन जांच का नतीजा जब आएगा तब आएगा। लेकिन इस दौरान कितने लोग हैं जिनकी रिपोर्ट बदली गई है, वो हमारे बीच कोरोना बम बनकर घूम रहे हैं। सीआर की टेस्टिंग यहाँ होती रही है और आरटीपीसीआर की टेस्टिंग जो सैंपल जाते हैं वो थर्सडे और ईएसए मेडिकल कॉलेज जाते हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी को पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव कर दो, क्योंकि रिपोर्ट ही उनकी वहाँ से आती है। जहाँ तक एंटीजन टेस्टिंग का सवाल है, एंटीजन टेस्टिंग भी डॉक्टर स्वयं पढ़ के करता है, इसलिए किसी कर्मचारी के कहने से ये कि वो पॉजिटिव का नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ऐसा संभव नहीं है। परंतु फिर भी अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का पैसा लेने का या कोई भी प्रयास किया है किसी गलत तरीके से, तो हमारे संज्ञान में आते हैं, हमने तुरंत इंक्वायरी उसकी बिठा दी है और इंक्वायरी हो भी चुकी है, उसकी जो कंक्लूसिव जो रिपोर्ट होती है वो आज शाम को या कल सुबह तक मेरे पास आ जाएगी। अगर उसमें कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि हरियाणा न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोना रिपोर्ट को लेकर हरियाणा न्यूज करने जा रहा है बड़ा खुलासा। हम आपको बता दें कि फरीदाबाद में जिस तरीके से काफी ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक गंदा खेल भी फरीदाबाद में खेला जा रहा है। पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करने के लिए 3,000 रुपए की कहीं ना कहीं रिश्वत मांगी जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से एक आईडियो वायरल हो रहा है, उस आईडियो की जानकारी जुटाने की हमने कोशिश की है। साफ तौर पर जो पीड़ित है वहां तक हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची, उनसे जानकारी जुटाए। वहीं जो कर्मचारी है जिसने 3,000 रुपए की डिमांड की थी कि पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट कर दी जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी, साफ तौर पर उस आईडीओ की जानकारी हरियाणा न्यूज को जुटाने के पास फरीदाबाद के बादशाह खां जो सिविल सर्जन है उनके पास हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी दोषी कर्मचारी होगा उसको सख्त सजा जरूर दी जाएगी, पर अभी जांच बैठा दी गई है, कमेटी बैठा दी गई है, 24 घंटे के बाद वो कमेटी जो सिविल सर्जन है उनको रिपोर्ट सोचेगी। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो कोरोना महामारी में इस तरीके का गंदा खेल कहीं ना कहीं यहाँ के कर्मचारी खेलते हुए नजर आ रहे थे और हरियाणा न्यूज जिस तरीके से पर्दाफाश कर रहा है, जो उच्च अधिकारी हैं अब उन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। हालांकि हरियाणा न्यूज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, इसकी सत्यता को लेकर पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो आप जरा सोचिए, जिन 20-25 लोगों को 500-500 रुपए लेकर पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव दे दी गई, उन्होंने बाहर सैकड़ों और हजारों लोगों को इफेक्ट नहीं किया होगा क्या? हमारे लिए कितना खतरनाक है ये जो खुलासा हम कर रहे हैं, इस पर सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हो सका है, क्योंकि हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिस्टम में कहां से सेंध लगी, कैसे किसी को मौका मिल गया 500 रुपए कमाने का, 3,000 रुपए की बोली लगाने का, ये रिपोर्ट का काला कारोबार नहीं तो और क्या है? पैनल से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले राजा पटेल हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ।
राजा, मैं आपसे जानना चाह रही हूं इस रिपोर्ट के काले कारोबार के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस तरीके से पिछले दो दिनों से ये वीडियो आईडियो वायरल हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज ने जो पीड़ित है उनसे भी बातचीत की और जो इम्प्लॉय है, जो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है, उनसे भी हमने बात की। साफ तौर पर जिस तरीके से आईडियो वायरल हो रही थी, वाकई में काफी गंभीर विषय, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी में और जिस तरीके से फरदाबाद में लगातार तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके मद्देनजर जिस तरीके से ये आईडियो वायरल हो रही है, वाकई में लोग भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान है कि आखिरकार पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करने का दर्द कितने दिनों से चल रहा था, कौन कौन इसके लुप्त है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साफ तौर पर आपने सुना हुआ वीडियो में कि किस तरीके से पैसे की डिमांड की जा रही है कि आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव कर देंगे, तो वाकई में जिस तरीके से खेल है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो लोग हैं वो भी परेशान हो रह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फरदाबाद में तमाम जो मामले हैं कोरोना के काफी तेजी से बढ़ते होने जा रहे हैं, वहीं हमारी जो सीएमओ है, सिविल सर्जन है, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने 24 घंटे का टाइम हरियाणा को दिया है कि 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो भी ऊपर से नीचे तक निलंबित अधिकारी है उन सभी पर गाज गिरने वाली है। तो ऐसे चलिए, हालांकि बीच बीच में राजा मैं लौट कर आती रहूंगी आपके पास, चूंकि सवालों पर डिपेंड करता है कि कौन इस बात को स्वीकार कर लेता है या इस पर जांच को लेकर कैसा हमें भरोसा यहां पर दिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा इस पूरे डिबेट के दरमियान। पैनल से मिलवाती हूं आपको, योगेश कौशिक जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में बहुत स्वागत है कौशिक जी। हमारे साथ अलवीर धनखड़ है, प्रवक्ता जेजेपी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। निकिता अरोड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस, निकिता बहुत स्वागत है हमारे साथ। सुखबीर तवर है, प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता बीजेपी सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और पंकज वत्स है, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा। डॉक्टर पंकज बहुत स्वागत है, एक एक करके मैं सभी के पास जाऊंगी। शुरुआत मैं धनखड़ साहब आपसे कर रही हूँ, रिपोर्ट देखी आपने जी अनामिका जी, जिस तरह से ऑडियो हमने सब ने सुना, अगर ये काम सही है तो बड़ी चिंता का विषय है, बहुत गलत काम है। मैं सरकार की जिम्मेवारी बनती है, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, कोई गलत काम होता रही है तो पाप है, मैं तो काम गलत कैसे, पाप है, ये पाप नहीं होना चाहिए। बाकी सीएमओ साहब से जैसे आपने बात की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा जांच बढ़ा दी गई है, जो भी दोषी अगर कर्मचारी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार की भी जिम्मेवारी है, बड़े अधिकारी जो वहां के हेड हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, और जो सरकार चलाते हैं, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और हमारे मंत्री अनिल विज जी, वैसे तो काफी सबको पता है काम के प्रति बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, तो ये कार्रवाई होगी, जांच होने पर जरूर होगी, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, ये पाप है, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। एक मामला सामने आ गया जिस पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि हमने इंक्वायरी बिठा दी, एक्शन ले लिया जाएगा, इसका सरकार भी भरोसा दे रही है इसे पाप समझते हुए, लेकिन ये जब यहाँ हो सकता है तो और जगहों पर भी तो हो रहा होगा ना सर। हरियाणा बहुत सुरक्षित था दिल्ली बॉर्डर को जब सील कर दिया गया था उसके बाद से, और अभी तो केस इतने तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ यही एक वजह है, लेकिन ये एक बड़ा वजह हो सकता है सर, अगर इस ऑडियो क्लिप में जरा भी सत्यता है तो ये बहुत बड़ी वजह है इन केसेस के बढ़ने के पीछे, मानेंगे आप? अनामिका जी, मैं तो बैठते हैं एक बात कह रहा हूँ, अगर ये सत्य निकलता है हाँ। तो बहुत चिंता का विषय है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ा पाप है, और ये प्रश्न चिन्ह हमारे सिस्टम पे भी है, हम जो सरकार चला रहे उस सिस्टम पे है। अगर ऐसा होता है, कार्रवाई करना सरकार का काम है, जैसे ही ये सत्यता पता लगेगी, मैं तो आपको ये वायदा करके जा रहा हूँ आपके यहां से, ये अगर बात सच्चाई सामने आती है तो कार्रवाई आप निश्चिंत समझो। यहाँ सर, यहाँ तो कार्रवाई होगी, मैं वही सवाल जो मैं पूछ रही हूँ वो ये कि बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा है या नहीं होगा, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? मैं करूँ, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। हाँ बिल्कुल, सख्ती से। चलिए ठीक है, आ रही हूँ मैं। निकिता, 3002 और पॉजिटिव होने पर भी नेगेटिव की रिपोर्ट लो, ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से जंग? खैर, पहले तो मैं आपके चैनल को बता देती हूँ कि आपने ये एक स्टिंग को चलाया है और लोगों तक ये बात पहुंचाई कि ऐसा कुछ हो भी रहा है हमारे प्रदेश में। बहुत ही दुखद है कि और ये बहुत ही एक सीरियस एक घोटाला लग रहा है जिस तरीके से आपने अभी दिखाया है हमें अपनी रिपोर्ट के हिसाब से। और ये घोटाला और भी ज्यादा संगीन इसलिए हो जाता है क्योंकि
इसमें ये जो हमारे राज्य द्वारा संचालित जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे ये खेल रचा जा रहा है। यहाँ पे लोगों की जान की परवाह नहीं है, उनकी जान की कीमत लगाई जा रही है कि 500 से 3000 रुपए में हम आपका आपकी जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है हम उसको नेगेटिव रिपोर्ट करके आपको एक दे देंगे कागज। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत खेला जा रहा है। और मेरा सवाल सीधे रूप से भाजपा और जजपा की सरकार से ये है कि उनकी जो स्वास्थ्य उनका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो अभी तक कर क्या रहा था? क्या वो आंख बंद करके बैठा हुआ था? क्या वो इसका इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा घोटाला सामने आए तो हम सुपरविजन करें? एट द एंड ऑफ द डे उनका काम ये है कि जितने भी हमारे ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि 127 हैं कुल हरियाणा में, अब हमें पता नहीं अभी तो एक सेंटर से ये बात उठ के आई है, बाकी 127 से अगर बाहर निकले तो मैं तो ये कहूंगी कि हमारी मांग ये है कि केवल एक सेंटर में ये जांच ना हो बल्कि सभी के सभी सेंटर्स में ये जांच हो और ये पता लगाया जाए कि क्या हर सेंटर हमारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहा है, उनको लूट रहा है। सुखबीर जी, अनामिका जी, जिस प्रकार से ये ऑडियो ये इसको झूठ में बदलने का प्रयास करना या इसको अन्यथा लेना, ये मैं कहता हूँ ये उससे भी बड़ा पाप होगा जिस बात का दलवीर धनखड़ साहब ने बात कही। देखिए, ना के सिर्फ ये एक व्यक्ति को 503,000 का जो सौदेबाजी की बात हुई ये वो नहीं है, ये सारे के सारी सरकार की सौदेबाजी है। जो सरकार की एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो इतनी भारी भरकम सैलरी जो सीएम स्कॉड और ये, वो कहां है? वो क्या कर रहे हैं? उनका काम क्या है? अगर इस प्रकार के 500 से 3000 की बातें आ रही हैं तो उनका काम क्या है? ये बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर्स भी हैं जिसमें और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? सरकार कहां है? देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, अनेक मंत्री और सत्ता पक्ष के अनेक विधायक जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित हुए और जिस प्रकार की रिपोर्ट आई, मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये जो कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट है ये भी झूठी है। ये विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से सीएम की रिपोर्ट को कह रहे हैं आप जी, हाँ। जब यहाँ ये हो रहा है तो हाँ। उसमें क्या बड़ी बात है? क्या नहीं हो सकता? और विधान झूठी रिपोर्ट क्यों देंगे सीएम? देखिए, विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से जो कोरोना काल में जो अनियमितताएं हुई, जिस प्रकार से शराब का घोटाला है, जिस प्रकार का रजिस्ट्री का घोटाला है, उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ समय के लिए, बाद में बाद व्यवस्था बदल जाएंगे, मुझे तो पूरा पूरा इनके जो इनकी भी रिपोर्ट है, जिस प्रकार की रिपोर्ट ये आ रही है उस पर भी पूरा का पूरा संदेह कि एक ही पार्टी के सारे लोग कैसे संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी बात एक और, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता संक्रमित हो रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोगों को सावधानी का उच्च मापदंड प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने, आज ये सारे अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी फोटो लगा के एड दे रहे हैं कि ये करो वो करो। अरे आपने क्यों नहीं किया? आप क्या कर रहे थे? आपके मंत्रियों ने क्यों नहीं किया? आपके विधायकों ने क्यों नहीं किया? पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है। आज इस प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि आपने किन लोगों के हाथ में इस प्रदेश को दे दिया है। कहीं ना कहीं आज इस हरियाणा प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। आज जान की कीमत नहीं है, आज 500 से 3000 में आदमी का सौदा किया जा रहा है, उसको मारने की एक साजिश रची जा रही है। कैसा स्वास्थ्य है? मैं निसंदेह इस घोटाले की, जैसा कि निकेते जी ने बताया, इस घोटाले की जितनी भत्सा की जाए, और मैं तो प्रदेश के आम सामान्य व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की बेकायदगियों के खिलाफ सड़क पर आ जाएं और इनको बताएं कि हमारी जान उतनी सस्ती नहीं है। नहीं सर, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम अभी सड़क पर अगर बुला लेंगे तो और ज्यादा, पहले से ही देखिए कि क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। कौशिक साहब जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस सबसे बड़े खुलासे पर? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। जैसे आपने ये ऑडियो दिखाया है ना, इसमें आपने खुद ये कहा कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, पर ये ऑडियो मैं ये मान लगातार वायरल हो रही है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये ऑडियो 100% ठीक है।
नंबर वन. नंबर टू, डॉक्टर साहब ने भी इसको ये नहीं कहा कि भाई ये ऑडियो फेक है या इस पे मुझे डाउट है. बिल्कुल, उन्होंने कह दिया कि इंक्वायरी हो रही है. हाँ. इसका मतलब ये है कि पहले शुरू में उन्होंने मान लिया है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा. अब मैं इसके बाद आता हूँ, एक और ऑडियो वायरल हुआ खबर फास्ट पे, जिसमें मंत्री ने कहा कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, और उसके बाद एक एसपी का ट्रांसफर हुआ. इसका मतलब ये कि सरकार आंख बंद किए हुए है. इसी चैनल पे बैठ के मैंने दो एक महीने पहले, पता नहीं शायद एक प्रोग्राम हुआ था जिस टाइम पे लॉकडाउन था, मैंने एकदम जबरदस्त तरीके से कहा था कि बहुत खूबसूरत तरीके से हैंडल किया जा रहा है, ठीक है. लेकिन आज जब 80,000 केस अप्रोक्सीमेटली एक दिन में आ गए हैं, तो मैं कहता हूं कि देश की बर्बादी के लिए पूरी सरकार जिम्मेवार है. जी. ठीक है. और इस जिम्मेवारी के पीछे जैसा ये एक हादसा नजर आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द रीजन. अभी इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड अगर करूं, एक्सपेंड अगर मैं करूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार ने, मैंने यहीं पे मैं चैनल पे बोल के गया था कि इस हमारे बाहर जैसे ही हम निकलते हैं तो पटेल नगर पड़ता है, पटेल नगर के अंदर कोरोना पॉजिटिव आते हैं और उसके बाद भी उसमें जोनिंग डिक्लेयर नहीं होती है, जिसके के बड़े बड़े नाटक किए जाते हैं कि हम ग्रीन जोन बनाएंगे, रेड जोन बनाएंगे, पिंक जोन बनाएंगे, येलो जोन बनाएंगे. वेयर इज दैट होमवर्क? या तो आपने वो होमवर्क सिर्फ और सिर्फ हवा में किया, या आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, या नहीं करना चाहते. क्योंकि आप प्रधानमंत्री खुद ये बोल चुके हैं कि अभी हमें तो कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना के साथ लोगों को मारना शुरू कर दें. क्योंकि मारने का यहां समझना होगा, आत्मनिर्भर होना एक बात है और लापरवाह होना दूसरी बात. एग्जैक्टली. अब मैं इसके साथ एक चीज ऐड करता हूँ. देखिए सीरियसनेस देखिए, मैंने यहाँ पे पहले भी एग्जाम्पल दिया था, आज मैं फिर एग्जाम्पल देता हूँ. वियतनाम जैसा देश चाइना के बगल में लगता है, उन्होंने कोरोना का बिल्कुल खत्म कर दिया. चाइना जहां से शुरू हुआ वहां कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया. इट मींस उनकी सीरियसनेस थी, उनको पता था हमें कितना नुकसान होने वाला है. इसके अलावा न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने कोरोना को बिल्कुल खत्म किया, उसके बाद उन्होंने ताली थाली बजाई. बिल्कुल. और उसके बाद फिर एक केस आते ही उन्होंने इतना सीरियसली लिया उसको कि अब फिर दोबारा से मिटा दिया. ये होती है किसी की भी सीरियसनेस. लेकिन जब हमारे बड़े बड़े नेता मोर के साथ कभी बिल्ली कुत्ते की बात करेंगे ऐसे सीरियस टाइम पे, जबकि आप 24 मार्च को ये कहते हैं कि 18 दिन में एक जंग जीती गई थी, अब ये जंग हम 21 दिन में जीतेंगे, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या था? या आपके पास ब्लूप्रिंट क्या था? मैं यही बात कई बार कहता हूं कि इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, किसी की कोई एडवाइस नहीं होती. किसी डॉक्टर से अगर इन्होंने पूछा हो तो वो बता दें आके कि जी हमने तो इसकी एडवाइस पे ये हमें बोला था. WHO ने कभी भी नहीं कहा कि आप लॉकडाउन कीजिए, ये लॉकडाउन इनकी मर्जी का था. अच्छा, अब इसके बाद मैं बात करता हूं नेताओं की पॉलिटिकल जो बातें होती हैं. राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर 12 फरवरी को बोला कि ये बहुत भयंकर प्रोग्राम होने वाला है कोरोना का, आप ध्यान दो. इमीडिएटली एक ट्रोल की जो कंपनी है इनकी वो पीछे पड़ी, उन्होंने उनको कहना शुरू कर दिया अपनी नानी के पास चले जाओ, आपकी जगह जो है इटली में है. व्हाट इज दिस? अगर कोई आदमी आपको सीरियस सलाह देता, पोजीशन का काम यही तो है कि आपको बताएं. उसी राहुल गांधी ने जब कहा कि आप फाइनेंशियली बर्बाद होने जा रहे हैं, सुनामी आने जा रही है, उसके बारे में इन्होंने कह दिया कि ये बकवास करते हैं. चाइना के बारे में बोला, उसको कह दिया बकवास करते हैं. इसका मतलब ये है कि आप ना ऑपोजिशन को बिल्कुल सुनना चाहते हैं, ना अपने लोगों से बात करते हैं. चले ठीक है, तो इसका इसी वजह से ये सारा का सारा जो है ये यहाँ तक वापस आ रही हूँ मैं आपके पास. मैं चाह रही थी विजेंद्र नेहरा कि आप सबको एक बार सुन ले, धनखड़ साहब से भी मैं जवाब लूंगी सबका, लेकिन अभी बीजेपी से जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि क्या हम ऐसे लड़ेंगे कोरोना से, क्या चल रहा है ये सिस्टम में. 500 रुपए में, 3,000 रुपए में पॉजिटिव की रिपोर्ट, नेगेटिव की कहीं लोग परेशान ना हो. हालांकि जो ये मांग रहे हैं रिपोर्ट इतने पैसे पे करके, अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी भी गलती है, लेकिन हम अपने सिस्टम से ऐसी उम्मीद नहीं करते सर. अनामिका जी देखिए, आपका जो चैनल है ना वो बहुत जिम्मेदार चैनल है. बिल्कुल. और हमें इस चीज का बड़ी खुशी होती है कि ये जिम्मेदारी को आप अच्छी तरह से निभाते और बार बार आप ये ना कहते कि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते. बिल्कुल, बिल्कुल. आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी मैडम कि आप सबसे पहले इस ऑडियो की पुष्टि कर देते और आप इस ऑडियो को एक बार चेक भी करा लेते, उसके बाद चलाते तो बहुत अच्छा होता. सर इस ऑडियो की अगर नहीं सर एक सेकंड सर, अगर इस ऑडियो की पुष्टि हो जाती तो सवाल और पुरजोर तरीके से हम उठाते. मैं अभी के पास जवाब लूंगी सर. ऑडियो की अगर पुष्टि हो गई होती तो अंदाज कुछ और होता.
बोलिए बोलिए, का जवाब नहीं सुनेंगे क्या? नहीं बोलिए सर, बोलिए। आपने किस लिए बुलाया मुझे? बोलिए सर, बोलिए। सबसे बाद में मेरा पक्ष सुन रही है मैडम, सबसे पहले नहीं नहीं सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। नहीं नहीं सर, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। बोलिए। सुनिए मैडम, सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं कोई डिस्कनेक्ट नहीं हुआ मैडम, मैं सुन रहा हूँ अपनी बात को। पहली बात तो ये कि ये वीडियो की आप पुष्टि नहीं कर रहे हैं और आप फिर भी इस वीडियो पे डिबेट करा रहे हैं, इस वीडियो को चला रहे हैं। मैं और आपने एक जिम्मेदार चैनल की भूमिका बिल्कुल नहीं निभाई है, क्योंकि आपको पता है ये कर्मचारी कौन है, ये कर्मचारी क्या है, मैं इसका पूरा डेटा लेके आया। सर ये जानकारी रखना मेरा काम नहीं, स्वास्थ्य विभाग का है। मैडम आपका काम है, आप चला रहे हैं डिबेट करा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य विभाग का काम, मेरा काम कैसे हो गया सर? अरे मैडम सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपका काम, सुन लीजिए जान। आप सुनिए मैडम, पहले तो ये लड़का हेल्थ डिपार्टमेंट का लड़का नहीं है, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले। इसका नाम है वसीम, ये अप्रेंटिस पे काम कर रहा है, सीएससी सेंटर है मेरे गांव के पास है, मैं फरजाबाद जिले का रहने वाला हूँ, खेड़ी गांव है, खेड़ी गांव का सीएससी सेंटर है, इसका काम है सर्वे आदि करने का, ये अप्रेंटिस पे सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये जानकारी आप दुरुस्त कर लें। ये जो ऑडियो आया ये पूरी तरह से फर्जी है, ये आप जानकारी दुरुस्त कर लें, और इसके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। मैडम मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप मुझे एक सेकंड सर, आप मुझे आप कार्रवाई का मतलब क्या? अरे मैडम मैडम सुनिए, कार्रवाई का मतलब क्या सर? मैडम मैडम मैं कह रहा हूँ गलत चीजें नहीं दिखानी चाहिए ना आप, क्या गलत दिखाई? ये जांच का विषय है, आप जांच कर रहे हैं। मैडम क्या गलत दिखाई आप? मैं कह रहा हूँ अप्रेंटिस कर्मचारी है वो, मैं आपको चैलेंज। अरे कोई भी कर्मचारी है, आपके कर्मचारी अनामिका जी, एक मिनट मुझे अवसर दें, आप अवसर दें। मैडम सुनिए, अवसर दें मैडम, बात सुन लीजिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से फर्जी वीडियो है, ऑडियो है जो आपने दिखाया है, ठीक है। दूसरा ये कर्मचारी अप्रेंटिस पे लगा हुआ सर्वे का काम है, इसका कोरोना रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है मैडम, पहली बात। दूसरा खेड़ी जो गांव है ना वो मेरे गांव के पास पड़ता है, वहाँ कोई कोरोना की रिपोर्ट नहीं दी जाती। कोरोना की रिपोर्ट ईएसआई मेडिकल सेंटर बना हुआ फरीदाबाद के अंदर जो केंद्र है, ईएसआई मेडिकल सेंटर के अंदर बनती है मैडम, और ईएसआई मेडिकल सेंटर ही रिपोर्ट देता है। इस तरह से अगर कोई भी कुछ भी बोल देगा उसके पीछे अगर हम लोग सरकार को बदनाम करेंगे, सरकार का नाम लेंगे, सरकार को कौन बदनाम कर रहा है सर? अरे सर आप इतने तमतमा क्यों गए? अनामिका जी देखिए सुनी रही हूँ सर मैं, आप मुझे और ये धमकी दे रहे हैं कार्रवाई की, मैं सुनी रही हूँ। हाँ सुपीर जी नेहरा साहब सुन लो, नेहरा साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपकी सुन ली, आपकी सुन ली, अब सुन लो, गलत बात है। अरे अरे नेहरा जी सुन लीजिए, बहुत सुन लिया आपका, आप सुन लीजिए ना, अरे बरखुदा सुन लीजिए, अरे नेहरा जी सुन लीजिए, अरे सुन लो, आप जांच नहीं करेंगे, आपने मेरी डिक्लेयर कर दिया। अरे अरे ये देखना सरकार का काम है, एजेंसियों का काम है, फर्जी है असली है। एक सेकंड सर, एक सेकंड विजेंद्र नेहरा जी, एक सेकंड सुपीर जी आप बोल लीजिए, विजेंद्र जी उसके बाद मैं आपसे सवाल लेती हूँ, बोल लीजिए। मैं बोल लेता हूँ मैडम, हाँ बोल लीजिए, और स्वागत है सर आपकी कार्रवाई का, स्वागत है। और आपका आपका जो वहाँ पे कर्मचारी, आपका जो चैनल का जो व्यक्ति उसको लालच दे रहा है, जो उसको पेशकश कर रहा है पैसे की, आप उसको कैसे देखते हैं? किसने दिया चैनल में, किस व्यक्ति ने लालच दिया? आप किसका दिखा रहे हैं सर? कैसा आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप के बदले आरोप लगा देंगे आपने? आप सर एक सेकेंड, अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है, आपके साथी, आपके साथी या धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो पाप हुआ है, जांच होना चाहिए, आपने तो पहले ही फर्जी बता दिया, आप उल्टा हमें कार्रवाई का वो दे रहे हैं। आप पूरी बात नहीं सुन रही, मैं पूरी बात अपनी कर लूँ उसके बाद क्वेश्चन करना। सुनिए देखिए, फिर भी मैं आपको फिर भी बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कह रहा हूँ कि हमने तीन डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है, हालांकि ये सब कुछ फर्जी है, लेकिन फिर भी सच्चाई की जानकारी लेने के लिए। अरे फर्जी वीडियो की डॉक्टर कम से पहचान करने लगे, बरखुरदार कम से कम, अरे कुछ तो रहम करो इस प्रदेश पे, अरे कब से डॉक्टर इस बात की पहचान करने लगे वीडियो फर्जी है क्या है? अरे ये आईवा से काम नहीं चलेगा, अरे नेहरा जी समझ लो, डॉक्टरों का काम नहीं है वीडियो की सत्यता जानना, डॉक्टरों का काम नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। अरे जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं सर, बखूबी निभा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे आप, बखूबी निभा रहे हैं सर। देखिए आपकी सरकार कई सवाल के जो भाजपा की सरकार निभा रहे हैं, आपस में बैठ के पहले तय कर ले कि आपने बोलना क्या है। मुझे मौका दे, मैं बताता हूं, जवाब लेता हूं। एक तरफ जेजेपी कहती है कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं, जो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, स्वागत करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि ये तो बिल्कुल ही फर्जी है। प्लीज सारे बोलेंगे तो नहीं चलेगा। नेहरा साहब एक सेकंड सर, आप मुझे सुनेंगे प्लीज? आप काफी देर से बोले जा रहे हैं, आप मुझे सुनेंगे प्लीज? बोलिए बोलिए मैडम। सर
इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, ये कहना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास इसकी सत्यता नहीं है, लेकिन इसकी जांच कराना आपका काम है कि ये ऑडियो अगर बाहर है। एक सेकंड सर, प्लीज प्लीज सर, लेट मी फिनिश फर्स्ट, ओके। इस ऑडियो क्लिप की जांच कराना आपका काम है, सरकार का काम है, ना कि हरियाणा न्यूज का। अगर अगर ऐसा कुछ हुआ है जो आपके संज्ञान में नहीं है और ये ऑडियो वायरल हो रही है, इससे लोग कितना पैनिक करेंगे आपको पता है? आप समझ रहे हैं, आप जिम्मेदार, एक सेकंड सर प्लीज लेट मी फिनिश, आप समझ रहे हैं, आप हमें गैर जिम्मेदार कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम पुलिस का रोल जाके निभाए, हम जांच बैठाए, क्या हरियाणा न्यूज इंक्वायरी बैठाए? अगर इसमें अगर कहीं पर भी कोई लूज पोल पाया गया, 20-25 दिन से 500 रुपए लेकर पॉजिटिव का नेगेटिव रिपोर्ट अगर दिया गया होगा, अगर दिया गया होगा, क्योंकि जांच कराना आपकी जिम्मेदारी है, या आप कराइए कि अगर है या मगर है, ठीक है सर? आप मुझे गैर जिम्मेदार कह रहे हैं, उल्टा कार्रवाई का आप मुझे धमकी दे रहे हैं, कमाल है सर। मुझे मेरी सरकार से ये उम्मीद नहीं है, मैं इस उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़ी थी कि आप मुझे भरोसा देंगे कि हम ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग जीरो टॉलरेंस वाले हैं। बहुत गर्व के साथ जुड़ी थी मैं आपके साथ कि हमारी सरकार लोगों को पैनिक नहीं होने देगी और ये बोलेगी, जैसे धनखड़ साहब ने यहाँ इसी स्टूडियो में बैठ के अभी भी वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये पाप है और हम बख्शेंगे नहीं, अगर ऐसा हुआ होगा तो हम जांच करेंगे। आपने तो पहले ही फर्जी बता दिया, उल्टा कार्रवाई का गैर जिम्मेदाराना आरोप लग। तो कोरोना के इस काल में काला कारोबार चल रहा है क्या, रिपोर्ट को लेकर? हाँ बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास सुखबीर। तवर जी बार बार हैंड रेज कर रहे थे, तवर साहब बात रखिए। अनामिका जी, जिस प्रकार से नेहरा जी ने जो सच्चाई है उसको जुटलाने का प्रयास किया, ये निसंदेह गलत है। मैं दो लाइन के माध्यम से इनको कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा? मुझे राजनीति से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जिस प्रकार से आपने बात करी है, क्या फॉल्स और रियल वीडियो ऑडियो की जांच करना डॉक्टर का काम है? नेहरा साहब जवाब देके जाना, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है, और क्या आप बिना तैयारी की। और दूसरी बात, आपने खुद सवाल किया, सुन लीजिए, आपने खुद कहा कि वो कर्मचारी नहीं है और उसी वर्जन में आप कह रहे हैं कि अप्रेंटिस है। क्या आप बताएंगे कि अप्रेंटिस को क्या वही अधिकार नहीं होते अपनी अप्रेंटिस के दौरान जो एक सामान्य कर्मचारी को होते हैं? आप इन बातों से बरगलाने का प्रयास ना करें, यह ऑडियो की सत्यता झूठी है सच्ची है, यह तो पुलिस का काम है या दूसरी किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, यह डॉक्टरों का काम नहीं है। डॉक्टरों का पैनल बना क्या करेगा डॉक्टरों का पैनल? आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। आप इस हरियाणा प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और तथ्यों को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप दुरुस्त करें अपने आप। ठीक है, हमारे साथ पंकज वत्स जुड़ गए हैं, डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा। माफी चाहूंगी सर, ब्रेक से पहले आपके पास मैं नहीं आ सकी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, ये ऑडियो क्लिप कितनी तेजी के साथ वायरल हो रही है, रिपोर्ट को, पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करने को लेकर प्रतिक्रिया। अनामिका जी, जी आप देखिएगा कि सरकार जो है वो प्राइवेट लैब्स को टेस्ट करने की परमिशन नहीं देती है, काफी दिनों के बाद उनको परमिशन दी है, और उसका मुख्य कारण ये था कि ये माना जाता है कि प्राइवेट लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे के लिए कई बार रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव कर देते हैं, इसलिए उनको ये अधिकार ही नहीं दिया गया। और बहुत समय के बाद, बहुत सारे काफी दिनों के बाद उनको परमिशन दी गई, तो इसका मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी डॉक्टर सब चोर हैं, लेकिन अगर सरकार में अगर ये टेस्ट होकर गलत रिपोर्ट दी जा रही है तो इसका मतलब आवाज उठाने वाले लोग चोर हैं और झूठे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को इस बात का कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इस तरह की बात आपके चैनल द्वारा पब्लिक में लाई गई है। नेहरा साहब को ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की खबर आ रही है तो उस पर किसी कर्मचारी ने यह काम किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह काम नहीं किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसे कर्मचारियों को उनको ठिकाने लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जांच करे। अगर वो ऐसे कर्मचारियों के बचाव करने लगेगी तो सीधे सीधे वो कर्मचारी का दोष ना होकर हरियाणा की सरकार का दोष हो जाएगा। और ये 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 जो है व्यक्ति जो है, अगर मान लो कोई व्यक्ति पैसे के लालच में
इस तरह की बात कर रहा है तो इसकी संभावनाएं गलत नहीं है। ठीक है निकिता, आप कुछ ऐड करना चाहते? क्योंकि आप जाके नेहरा साहब जरा 10-20 बोल लीजिए। हाँ पूछिए। हाँ नेहरा साहब जरा 10-20 आदमियों के जरा टेस्ट कराइएगा आप चुपचाप भेज के, क्योंकि वहां पे पहले हवाला ये दिया जाता है टेस्ट करने से पहले कि आपको अगर साइन एंड सिम्टम है तो ही कराया जाएगा। अगर आपको कहीं और जाना है, दूसरे प्रदेश में जाना है और खाली आप टेस्ट कराने के लिए सरकारी संस्था में जाएंगे तो आपका टेस्ट नहीं किया जाएगा, उस समय आपको इंस्ट्रक्शंस की का हवाला दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे चैनल से माध्यम से जाएंगे तो संभावना है, तो इस पॉसिबिलिटी को जो प्राइवेट हॉस्पिटल के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर जब आप ये मानकर चल रहे हैं वो झूठी रिपोर्ट दे सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं दे सकते पैसे के लालच में। इसलिए इसको ब्रश असाइड करने की बजाय ये कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह की समस्या आई है उसकी ईमानदारी के साथ जांच हो और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है सर, मैं आपकी बात निकिता में बाद में आती हूँ। नेहरा जी, डॉक्टर पंकज वत्स और सुखबीर तवर को जवाब दीजिए। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि अकेले फरीदाबाद जिले के अंदर मैडम, चाहे वो सर्वोदय हॉस्पिटल है, चाहे वो मेट्रो हॉस्पिटल है, चाहे वो फोर्टिस हॉस्पिटल है, इस तरह के 10 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों को पहली बात तो कोरोना टेस्टिंग की परमिशन सरकार ने दी हुई है। इसके साथ साथ फरीदाबाद जिले को सभी 22 के 22 जिलों में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कोरोना के समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी, यहाँ के माननीय हमारे जो डीसी साहब हैं यशपाल यादव जी, उनको भी और पूरे जिला प्रशासन को, डॉक्टरों को, उनकी टीम को अनेक तरह के यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, श्रेष्ठ काम किया है। ज्यादातर डॉक्टर साहब ने बात की थी कि उन पर कार्रवाई की, देखिए मेरा सिर्फ एक ही कहना है, हमारी सरकार का सिर्फ एक ही कहना है कि बिना सत्यता के हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक कार्रवाई की बात है मैडम, हमने 3 डॉक्टरों की कमेटी बना दी है जो 1 महीने 2 महीने में नहीं, कल तक ही अपनी रिपोर्ट जिसको देनी है, उसके बाद में जो उचित कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। मतलब ये अगर ये वीडियो, एक सेकंड निकिता प्लीज बोलने दीजिए नेहरा जी को। नेहरा जी, मतलब अगर ये ऑडियो क्लिप ऐसे ही वायरल होती रहती तो हम इसे ऐसे ही देखते, परेशान होते, छोड़ देते? हम इस पर ये नहीं मांग रखते कि देखिए सर ये क्या हो रहा है, जांच कर लीजिए प्लीज, हम ये ना पूछे। अनामिका जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सैकड़ों की संख्या में ऑडियो और इस तरह के फर्जी खबरें आजकल चल, लेकिन सर कोरोना को लेकर नहीं कर सकते ना। अरे कमाल है सर, 5 मिनट मास्क हम नहीं हटा रहे, ऐसी खबर को इग्नोर कर दे। अरे मैडम आप बात तो सुन लीजिए पहले, एक क्वेश्चन एक जवाब पूरा होता नहीं, दूसरा क्वेश्चन आ जाता आपका। आप, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ। जिम्मेदार सेना होने के नाते आप जब बार बार ये कह रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते सर, जिम्मेदारी। तो आप इसकी पुष्टि करने में आपको क्या दिक्कत है? आप इसकी पुष्टि करने से पहले सर, इसकी पुष्टि सरकार का काम है, मेरे दैट इज नॉट माय जॉब, दैट इज नॉट माय जॉब मैडम। ठीक है, अगर सरकार को करना है तो सरकार के बाद आगे, तो आपको क्यों नहीं पता था? नहीं तो आपको क्यों नहीं पता था? ये मेरे पास मेरे सर्कल में सबके पास है, आपको क्यों नहीं पता? मैडम सुनिए, आप सरकार, मैडम क्या आप बात कर रही है, सरकारों से काम चलता है डिबेट का? आप जिम्मेदार, तभी तो सरकार से नहीं पूछा ना सर, तभी तो आपसे सवाल पूछा। कमाल बात कर रहे हैं सर आप, आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं 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 कौशिक जी, नहीं हो गया सर, आप बिना सत्य जाने किसी विषय पर डिबेट। अरे तो सत्य जानना आपका काम है ना सर, नहीं आपका कोई काम नहीं है। नहीं आप क्या चाहते हैं, हम इंक्वायरी करें। एक सेकंड नेहरा जी, हरियाणा न्यूज इंक्वायरी करे, हम जाए ग्राउंड पे, हम इंक्वायरी करें, पुलिस नहीं करेगी, आप जांच टीम नहीं बिठाएंगे, हम करें, बिल्कुल जिम्मेदारी है तभी तो लेकर। पहले ही कहते हैं कि 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई जाएगी, कल तक उसका कंक्लूजन आएगा। आप खुद उस आदमी का नाम लेके आए हैं, आप उस खुद आदमी का बता रहे हैं अप्रेंटिस है, आप ये मान रहे हैं कि वो आदमी है जिससे उसकी बात हुई है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि फेक है। इसका मतलब गवर्नमेंट का स्टैंड पहले ही है कि हमने इसे फेक डिसाइड कर, जांच हुई नहीं, उनको पहले ही पता चल गया उस जांच के क्या रिजल्ट है। मैडम मेरी बात सुनिए, इस तरह के जो अप्रेंटिस कर्मचारी होते हैं ठेकेदारी में, कुछ समय के लिए सर्वे होती है। अरे अप्रेंटिस और ठेकेदारी अलग अलग बात है, बहुत ही गलत बात। अनामिका जी, इस डिबेट का कोई फायदा नहीं है।
हाँ बोलिए दे रहे हैं ये सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं। मैडम सुनिए, हरदा जिले के अंदर कोरोना रिपोर्ट ईएसआई मेडिकल सेंटर में दी जाती है, वो खेड़ी जैसे किसी गांव में नहीं दी जाती, और जो इस तरह की खबरें हैं वो निराधार है, वो बेकार है। लेकिन आपकी बातों में सच्चाई हो, ईश्वर करे आपकी बातों में सच्चाई हो। निकिता आ रही हो सर, दोबारा आ रही सर, बहुत कम पड़ रही है। एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लूं, आ रही हूँ। निकिता पहले तो अनामिका ये क्लियर हमें हो जाना चाहिए कि सरकार का एक्चुअली स्टैंड है क्या। एक तरफ तो वो कहते हैं कि फेक है, दूसरी ओर से कहती है कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ सारे प्रदेश को पता है कैसे देखी से शराब डिबेट ऐसे लग गई। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, डिबेट ऐसे। निकिता सवाल, एक साथ सभी ना बोले, ये बहुत गंभीर मसला है। अगर इस तरह का कोई फेक ऑडियो भी है, अगर ये फेक ऑडियो भी है, अगर ये रियल ऑडियो भी है, दोनों ही एंगल से ये बहुत गंभीर मसला है, और सिक्के के दोनों पहलू पर कार्रवाई बननी चाहिए। अगर कोई 500 या 3000 रुपए देकर गलत रिपोर्ट ले रहा है उस पर भी, और जो गलत रिपोर्ट दे रहा है उस पर भी, अगर ये फेक वीडियो है, भगवान करे, ईश्वर करे, इस वक्त कोरोना से बचने के हम हर तौर उपाय कर रहे हैं, तो ईश्वर करे ये फेक वीडियो है, लेकिन जांच का विषय जरूर है। निकिता सवाल पूछे। थैंक यू। पहले अनामिका मुझे बोलने का मौका देने के लिए, मैं सिर्फ ये कहना पहले चाहती हूँ कि पहले सरकार ये डिसाइड कर ले कि उनका एक्चुअली स्टैंड है क्या। क्या वो ये कहते हैं कि ये फेक है और उसको डिसमिस कर रही है? दूसरी तरफ क्या ये कहना चाहती है कि हम इस पर जांच करेंगे और उसकी तह तक जाएंगे? पहले तो नैरेटिव ही इनका क्लियर नहीं है कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनका स्टैंड क्या है। दूसरी बात ये पहले पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं डिग्निफाइड वे में डिबेट करने में विश्वास रखती हूँ, मैं सबके पक्ष को सुनने में विश्वास रखती हूँ, बट ये है कि अगर आप ऐसे बीच बीच में बोलते रहेंगे तो मैं अपना पक्ष सवाल पूछे मैम प्लीज। मैं सीधा सीधा ये सवाल पूछती हूँ। आपने अभी बीच में ये बात बोली कि रिपोर्ट जो है ईएसआई रोहतक से बन के आती है, तो उसका मतलब ये है, एक सेकेंड, दो यहाँ पे दो सेंटर्स है गवर्नमेंट के जहाँ पे जाते हैं टेस्ट, जहाँ से टेस्ट रिपोर्ट्स बन के आती हैं। तो मतलब अगर आप ये कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर कहीं ना कहीं ये बात सच हो जाती है कि यहाँ पे 500 से 3000 रुपए में ये रिपोर्ट बनाई जा रही है, तो फिर ये मसला और भी बड़ा हो जाता है कि जहां से दो सरकार के जो केंद्र हैं जहां से रिपोर्ट बन के आती है, वहां पे भी सवाल उठ पड़ेंगे कि वहां क्या वहां पे भी घोटाला हो रहा है ये रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट बनाने का। डॉक्टर पंकज, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया क्या नेहरा जी से? नहीं, सवालों का तो जवाब है ही नहीं। हाँ। ये तो ऐसा है कि राम राज्य हाँ। के नाम पर चलने वाली सरकार है। हाँ। और भगवान राम धोबी से पूछेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। हाँ। अरे धोबी की बात सुनी उन्होंने और इतना बड़ा टेस्ट जो है वो सीता का ले लिया। हाँ। क्योंकि उनको लगा कि जो जनता जो बात कह रही है उसका राज्य को सीरियसली उन चीजों को लेना चाहिए और उनका विश्वास बनाए रखना चाहिए, उसको ब्रुसासाइड नहीं किया जाना चाहिए। ये आप समझिएगा कि बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक संभावना है कि ये वीडियो ठीक हो, बहुत अधिक संभावना है। क्योंकि आप ये कैसे कह सकते हैं कि करप्शन फ्री देश है ये? आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पास इस तरह की रिपोर्ट है कि जब मजदूरों को बाहर भेजा जा रहा था और उनकी यहां व्यवस्था की जा रही थी, तो व्यवस्था एनजीओ द्वारा की जा रही थी, समाज के लोगों द्वारा की जा रही थी, और अधिकारी लोग उस समय झूठे बिल बनाकर क्लेम कर रहे थे, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो अब इसमें नेगेटिव रिपोर्ट देने और पॉजिटिव रिपोर्ट देने में जहां सीधे सीधे कर्मचारी का और उस व्यक्ति का लेना देना है, तो क्यों संभावना नहीं है? ये संभावना से कैसे नकार सकते हैं? ये जांच क्यों नहीं होनी चाहिए इसकी? नेहरा जी जवाब, जांच होनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए इसकी। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में अनामिका जी बहुत अच्छी तरह से कोरोना की इस महामारी से निपटा है। सभी साधन संसाधनों के साथ में डॉक्टरों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है, शासन प्रशासन ने सब अच्छा काम किया है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, चाहे ये जो मैडम बैठी है इनसे पूछ कर देखिए कांग्रेस आज महाराष्ट्र में कितना बुरा हाल है, इनके राज्यों में कितना बुरा हाल है, हरियाणा प्रदेश में जहाँ तक बात है मैडम देखिए, और जहाँ तक बात है मैडम देखिए, आगे भी इसी तरह से निपटेंगे कोरोना की बीमारी से। और अगर
जो भी आप जो इस विषय आप लेके आए इसमें भी डॉक्टरों का पैनल बनाया है, कल तक जांच आ जाएगी, आप रिपोर्ट देखिए मैडम, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो अभी उसको फेक करार दे दिया था, लेकिन मैडम मेरा इंतजार क्यों करें हम? कहना है ये एक जिम्मेदार चैनल है आपका, मैं जिम्मेदार मान रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको जिम्मेदारी से थोड़ा काम करना चाहिए था। बहुत जिम्मेदारी के साथ, मुझे लगता है आप जिम्मेदारी हम बखूबी समझते हैं सर, आपको भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता होना चाहिए, आपको भी समझते हैं, बहुत शुक्रिया, आपको भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता होना चाहिए सर, जिम्मेदार कहने के लिए। गैर जिम्मेदाराना हम कुछ चलाते ही नहीं सर, अगर गैर जिम्मेदाराना होता तो हम भी इग्नोर कर देते इस वीडियो को और इसे आपके आगे लेकर जाते कि देखिए सर क्या हो रहा है। तवर अनामिका जी, जी बोलिए सर। अनामिका जी आपके चैनल के माध्यम से मैंने बता दिया था कि कब कितने लाख केसेस होंगे, आप याद कीजिएगा, आपके चैनल पे बैठ के मैं कहता था कि फला तारीख तक इतने और इतने तारीख तक इतने हो जाएंगे, और मैंने कहा था कि अगर ईमानदारी से ट्रंप ये कहते हैं कि हमने जितने टेस्ट किए हैं उतना अगर हिंदुस्तान वो टेस्ट करा लेगा तो अमेरिका से ज्यादा आंकड़े आ जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेहरा साहब के माध्यम से सरकार को चैलेंज देता हूं कि अगर वो कल से जितने टेस्ट हरियाणा में हो रहे हैं उसको डबल कर दें तो ये जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं ये डबल नहीं चार गुना हो जाएंगे। तभी तो नेगेटिव रिपोर्ट बनाने की फर्जी ये चीज। मैं अनुरोध करूंगा कि हरियाणा को अगर हरियाणा को बचाना है तो ये टेस्टों की संख्या कल से डबल कर देनी चाहिए और अगले 10 दिन में ये चार गुना टेस्ट हो जाने चाहिए। अगर हरियाणा को बचाना है तो हरियाणा की जनता को बचाना है तो नंबर बनाने के चक्कर में हरियाणा की जनता सेक्रीफाइस हो रही है। ठीक है, अनामिका जी, जिस प्रकार से नवंबर दिसंबर में चाइना में महामारी आई, उसके बाद जनवरी फरवरी और मार्च के तीसरे हफ्ते तक ये सरकार कुंडली मारे बैठी रही, और जिस प्रकार से नमस्ते ट्रंप और ये जो सरकार गिराने का खेल था वो चलता रहा, और उसके बाद उसके कुछ दिन बाद जैसे ही जब हजारों की संख्या में थे, जो मरकज का विषय आया था, किस प्रकार से चैनलों ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने किस प्रकार से उस मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया था, और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और ना के सिर्फ यहाँ बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी जिस प्रकार से संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, वो रिपोर्ट झूठी है सच्ची है वो तो जाने, लेकिन इस बात का भी निर्णय होना चाहिए। ठीक है, धनखड़ साहब जी। अनामिका जी धन्यवाद आपका दोबारा बुलवाने का मौका देने के लिए। मैं तो इस चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को और जो सब सुन रहे हैं देश प्रदेश में जहां भी सुन रहे हैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सत्य की जीत होगी, सरकार में कार्रवाई होगी, आप ये मान के चलो जांच के साथ कार्रवाई होगी, मैं आपको सबको ये वायदा देके जा रहा हूं। जहां तक मेरे मित्र हम सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने में कामयाब रहते हैं, दूसरों के बीच में ना बोला जाए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से INLD के, मुख्यमंत्री ने जानबूझ के अपनी रिपोर्ट बनवा ली, मंत्रियों ने अपनी जानबूझ के रिपोर्ट बनवा ली, ये बड़ी अच्छी बात। जिस प्रकार के हालात आप बीच में बोलने की रखो आदत, देख लिया बीच में बोलने की आदत, बीच में बोलने की आदत देख लिया आपने, मैं राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं वो शांत थे सर, आपने सवाल पूछा, आपने देखिए नहीं आपने तो कही मुख्यमंत्री आपके चैनल पे डिबेट नहीं हो रही आज, मैं फिर कहता हूँ आपके चैनल पे डिबेट नहीं हो रही, किसी को बोलना नहीं दिया जाता, मैं बार बार कह रहा हूँ आप जान पूछ के बुलवा रही है बीच में, कितनी देर से बोल रहे हो सबके बीच में, आप रोक पाए, मैं बुलवा रही हूँ क्यों नहीं, मैं बोला किसी के बीच में, आपके साथ ही फर्जी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं बोलते रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी सुनो ना आप, मैं बोल रहा हूँ मेरी सुनो ना आप, बोलिए मैं किसी के बीच में बोल रहा हूँ, मेरे बीच में क्यों बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री का नाम किसने लिया, मुख्यमंत्री का नाम किसने लिया, एक राहुल गांधी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए, राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन ही नहीं होना चाहिए, अरे दुनिया में लॉकडाउन क्यों हुआ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप ऐसी बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी के अपने बयान कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ ये महामारी कभी जीवन में किसी ने सुनी, अब पूरी दुनिया में सब कुछ बंद हो गया, अब भारतवर्ष पे मुख्य प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, किसने बोला, राहुल गांधी ने बोला लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए, अरे कैसी बात करो, पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई है, आपने बोला क्या? आपने की लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी ने पहले बता दिया था, अगर आप राहुल गांधी के प्रवक्ता बोला जाए, आप राहुल गांधी के प्रवक्ता, राहुल गांधी के प्रवक्ता बिल्कुल किया था, अपनी बारे में नहीं बोलेंगे,
मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन होया सारी सर्विसेज बंद हो गई, क्या वो मोदी जी ने कर दी? बीमारी ने की है, पूरी दुनिया ने बीमारी को मान्य है, ये महामारी है, पूरी दुनिया पे खतरा है, इससे हमने मिलजुल कर निमटना है, अच्छी तरह ईमानदारी से काम करना है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। कोई भी अगर दिक्कत है, जांच होगी, कार्रवाई होगी, मैं कहता हूँ सत्य की जीत होगी हरियाणा। बहुत बढ़िया निकिता, मैं ये बस एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ हमारे जेजेपी के जो प्रवक्ता है उनको, कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन होना नहीं चाहिए था, उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन अगर प्लान्ड वे में होता तो ये इतना हमें आर्थिक लॉस ना होता और कोविड को हम बहुत अच्छे से उसको हम संभाल पाते। ये कहना बिल्कुल गलत है और ये आरोप बिल्कुल कहना गलत है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा। निकिता हो गया, टाइम खत्म। नेहरा जी फाइनल कमेंट। मैडम देखिए अनामिका जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस की हमारी जो महिला नेत्री है, मैडम आपने ये राहुल गांधी जी ने ज्ञान कांग्रेसी राज्यों को क्यों नहीं दिया? इतना अच्छा ज्ञान है उनके पास, भंडार भरे पड़े हैं, इसीलिए देख लीजिए वहाँ पे कितना काम हो रहा है। आज आप वो अपनी अपनी चीज के भी हार गए, उनको भागना पड़ा वहाँ से। अरे मैडम देखिए महाराष्ट्र में कितना बुरा हाल है आपका, आपके राज्यों में कितना बुरा हाल है आपका, आपको पता है महाराष्ट्र में क्यों केसेस ज्यादा है? मैडम सुनिए अनामिका जी, ये इन्हें मैडम आपने क्या आपको जवाब नहीं, नहीं निकिता, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस करने में यहाँ नहीं बैठे, बहुत गंभीर मसला है कौशिक साहब। एक्चुअली क्या है, डिबेट डाइवर्ट करने के मास्टर हैं ये लोग, ठीक है। इन्होंने कोरोना को भी बीजेपी और कांग्रेस कर दिया, ठीक है। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। अगर मान लो वो लड़का जिसने भी ये ऑडियो, मैं गारंटी कर सकता हूँ ये ऑडियो ठीक है, अब मैं दूसरी गारंटी करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ, नेहरा साहब आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ, आप मुझसे बात कर लेना, एक महीने में आपको 10 झूठी रिपोर्ट बनवा के दिखा सकता हूं, आप मेरे पास पैसे जमा करा देना बिना आदमी के जाए हुए, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये आप ऐसे ही लड़ोगे कोरोना से तो ये इस स्टेट का बुरा हाल करोगे। यही पे बैठ के मैं तारीफ करके गया था कि बहुत खूबसूरती से सरकार लड़ रही है, और यही पे मैं कह के जा रहा हूं, आपका ऐसा एटीट्यूड रहा तो आप इस स्टेट को बर्बाद कर देंगे। ठीक है सर, 10 सेकंड में आप बताएं होना क्या चाहिए था अभी इस ऑर्डर। होना यही चाहिए था कि ईमानदारी से एक्सेप्ट करो, धनखड़ साहब ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, इन्होंने माना कि हाँ जी अगर ऐसा है तो हम इंक्वायरी कराएंगे ये, लेकिन इन्होंने तो पहले ही कह दिया कि ये फेक है सर, और इनका स्टाइल है, इनका बिल्कुल क्लियर कट स्टाइल है कि जब इनको सूट ना करे तो एंकर को ही कह दो कि आप गलत हैं, मैं आपको चाइनीज एजेंट डिक्लेयर करूंगा, ऐसी काम करने है। हमारा काम है शुद्ध खबर को परोस देना, जैसी खबर तो आई है उसका जांच कैसे कराना है, उसकी सत्यता कैसे करनी है, सरकार इनसे सीख ले के धनखड़ साहब मुझे राहुल का एजेंट बता रहे हैं, अब इनका क्या करना है? अरे नहीं सर, सच्चाई को ना मान ले। तो ये जो ऑडियो क्लिप आई साहब, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, लेकिन प्लीज सर, लेकिन हरियाणा न्यूज की यह अपील है, इस महामारी में हम पहले ही बहुत परेशान हैं, मास्क लगा के आप बाहर निकल रहे हैं, सैनिटाइजेशन का आप ख्याल रख रहे हैं, आपकी भी, ये जो दर्शक टीवी के उस पार हमें देख रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव के लिए, अगर कहीं पर, हम बार बार अगर बोल रहे हैं, अगर कहीं पर कोई कोशिश हो रही है तो ना करें यहां से। अगर ये ऑडियो क्लिप सच्चा है तो सिक्के के दोनों पहलू गलत हैं, गलत रिपोर्ट बनवाने के लिए पैसा देने वाला भी और गलत रिपोर्ट बनाने के लिए पैसा लेने वाला भी। चलिए बहुत शुक्रिया, आगे जो भी जांच होगा सरकार की तरफ से प्रशासनिक तौर पर उसकी रिपोर्ट लेकर भी हाजिर होंगे, एकदम शुद्ध खबर के साथ। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़, नमस्कार।